अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आए हैं उसके अंदर हम डीजे मिनी 4 प्रो की जो एक्टिव ट्रैकिंग है पैरेलल में, उसको डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कैसे प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं आप उसको। पहले जो कैमरा है आपने उसको प्रॉपर सेट कर लीजिएगा। अपने आप को सेलेक्ट करने के बाद हमें वो ऑप्शन देगा ट्रैकिंग के, तो हमने ट्रैकिंग पे क्लिक करके उसको पैरेलल पे क्लिक कर लेना है। पैरेलल पे क्लिक करने के बाद हम जब उसको वो करेंगे, साथ आपने वीडियो भी स्टार्ट कर देनी है कि वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए, ताकि जो आपका टाइम है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि ट्रैकिंग वो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन वो अक्सर वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती। सेकंड थिंग, पैरेलल इज़ नॉट अ गुड फॉर मी, आपके लिए शायद अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पे कैमरा एक जगह पे स्टिल रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको पैरेलल पे लगा के गो किया तो ये सिर्फ मुझे देख रहा है कि मैं कहाँ तक मूव कर रहा हूँ, कहाँ तक मूव नहीं कर रहा। कैमरा मूव नहीं कर रहा, कैमरा वहीं स्टैंड कर रहा है लेकिन उसे अपने एंगल चेंज कर रहा है। जहाँ पे मैं जा रहा हूँ मेरे साथ साथ वो एंगल चेंज कर रहा है। तो ये सिर्फ उस मौके के लिए अच्छा है कि आपने एक ही जगह पे इसको सर्कल लगाना है या सिर्फ लोकेशन दिखानी है, उस मामले में बहुत अच्छा है, उस मामले में कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने ट्रैकिंग करनी है तो ऑटो ट्रैकिंग बहुत बेहतर है। मैं उसका लिंक आपको दे रहा हूँ, उसको ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी हमारी ट्रैकिंग की, वीडियो पोस्ट कर ली। बाकी जो ट्रैकिंग की हुई है मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वो देखिए और इन्जॉय कीजिएगा। कमेंट लाजमी कीजिएगा अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या मुझे बेहतरी कर सकते मेरे लिए, तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला।